गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। जैसा आप सभी लोग देख ही रहे हैं, अभी आज इंडिया में कैसा माहौल है कोविड-19 का। हर जगह हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, कई सारे लोगों के रिलेटिव्स पेशेंट्स बहुत दिक्कत में हैं, डेड बॉडीज की खबरें आ रही हैं। एक माइंड में फोबिया सा बना हुआ है, डर का माहौल है। हर किसी को भी जरा सा कोई खांसी जुकाम फीवर होता है तो वही डर में आ जाता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे माहौल में वैक्सीन लगवाने की बात आई तो वैक्सीन भी बहुत से लोगों ने लगवाया, किसी ने नहीं लगवाया। कुछ लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि उसको हैंडल कर पाए, कुछ लोगों को फीवर आ जा रहा है, कुछ लोग वैक्सीन को लेकर नेगेटिव में है, डर में है। जितने जितने पेशेंट, जितने मरीज आज हॉस्पिटल में, उससे दोगुना ज्यादा बाहर घूम रहे हैं। ऐसे मामले में मेरे को लगता है, जो मैं क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से, 1 महीने से मैं भी कुछ ये नोटिस कर रहा था, तो मैं बस कोई वही बातें आपसे रखना चाहता हूँ, हो सकता है कि उनमें से कोई जानकारी अभी काम आ जाए। पहली बात तो ये कि अगर किसी को भी फीवर आ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सूखी खांसी उठ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, तो समझिए कहीं ना कहीं आपको उस टाइप के सिम्टम्स हैं। तो डरने का नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल के पीछे भागे गए तो हम ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, जितने मरीज आज हॉस्पिटल में, उससे कहीं कितना ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं। कुछ प्रूफ ऐसे भी हैं कि कोरोना वायरस जो है हवा से फैल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप होम क्वारंटाइन होकर घर में, अगर आइसोलेशन में रहकर, अगर होम रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में मेरे साथ भी, मेरे घर में भी एकदम से मॉम को प्रोटोकॉल, किसी को फीवर और ये सब वीकनेस वगैरह एकदम से चालू हुआ। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की जिससे मुझे हेल्प मिली, मैं बस वही सर कर रहा हूँ। तो अगर इनिशियली भी इस पर, अगर स्टार्टिंग फेज पे मैं बात करूँ, तो जो है मेडिसिन अगर आपको नॉर्मली जो सजेस्ट की जाती है, जो आप स्टार्टिंग फेज में ले सकते हो, तो पहली तो ये है पैरासीटामोल में आप डोलो 650 mg ले सकते हैं। ये दर्द में, फीवर में काम आएगी। दूसरी, या फिर आप क्रोशिन ले लीजिए, राइट, क्रोशिन 3 टाइम ले सकते हैं आप, ज़्यादा दिक्कत है, नॉर्मल है तो 2 बार ले लीजिए। दूसरा जो है एजिथ्रो माइसिन IP 500, ये बैक्टीरियल डिसीज और ये फीवर, जॉन, टाइफाइड वगैरह, इसमें कफ वगैरह में काम आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है उसमें काम आती है। बाकी अगर ज़्यादा सीरियस है तो आप इसमें गोली और ले सकते हैं, फाइबर 12 mg, 1 टाइम, अगर 6 mg, 6 mg ले, 2 टाइम ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन है, या किसी मेडिकल से आप स्टार्टिंग फीस में ले सकते हैं, खुद का कॉमन सेंस यूज करके। बाकी अगर किसी को अली पर दवाई यूज करने में दिक्कत हो, तो आप होम्योपैथी की एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, ये होम्योपैथी क्या है, मदर टिंचर ले लिया आपने पानी में, गर्म पानी में 4 बूंद डाल के 2-3 बार ले सकते हैं। इसके साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ, आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टीम लेना। एक दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेना कंपलसरी है। उसमें आप स्टीम में बीटाडीन का यूज़ कर सकते हैं, बीटाडीन डाल के यूज़ कर लिया, या विक्स डाल के यूज़ कर लिया, या संतरे के छिलके डाल के यूज़ कर लिया। आप उसको स्टीम को 3-4 बार लेंगे, इसको बहुत हेल्प मिलती है, मेरे को खुद, मेरी मम को बहुत हेल्प हुआ इससे। एंड गर्म पानी, आप घर में कोई बीमार हो या ना हो,
गर्म पानी डेफिनेटली यूज़ कराइए। उसमें गर्म पानी के साथ साथ आप मॉर्निंग में सुबह उठ के आप उसमें सेंधा नमक डाल के जो है हल्दी डाल के उसे आप गरारे कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है अपने घर में एक मिक्सचर बना सकते हो आप, कपूर लौंग और अजवाइन का जो है एक मिक्सचर बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, एंड ये रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, हेल्प मिलेगी। एंड सेकेंड चीज़ में जो है कि इसका इफेक्ट जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो अच्छे से हैंडल कर पाए, जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो नहीं कर पा रहा, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप इम्यूनिटी को अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग कर पाएँ, राइट। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जो है जो मैं खुद ही फॉलो करता हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप जो है पन तुलसी का यूज़ कर सकते हैं, मैं वैदिक युग का यूज़ करता हूँ, तो इसको पन तुलसी ड्रॉप लेके आप चाय में गर्म पानी में चाप अमूट डाल के आप सुबह शाम ले सकते हैं। जो लोग जॉब पे बाहर जाते हैं तो सुबह पी के चाय शाम को वापस आए तो लें, ये आपके फीवर टायर्डनेस वायरल डिसीज को फाइव फीवर को कम करता है एंड अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है। दूसरा जो है वो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुलाय रस। गुलाय रस मैं वैदिक युग का यूज़ करता हूँ, पतंजलि का भी आता है, तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं डिस्कस में डाल दूंगा, तो ये पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत अच्छा है, हेल्दी और आपकी इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है, राइट। एंड इसके अलावा प्रोटीन की जो चीज़ें हैं वो खानी चाहिए आपको, तो हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, इस सब का जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो। क्या नहीं करना है आपको, चाइनीज़ फूड नहीं खाने, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, राइस नहीं खाने, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी, नहीं करनी चाहिए। जो पैक्ड आइटम होते हैं, सील्ड आइटम आते हैं, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, इससे आपका आपको जो इम्यूनिटी है वो वीक पड़ती है, राइट। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा साथ साथ आप डेली एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग में योगा करें, घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, राइट। और अपने स्टेमिना को बढ़ाने का ध्यान दें, जो है योगा एक्सरसाइज करके आप जो है अपना ब्लड सर्कुलेशन हाई करेंगे तो बॉडी फिट रहती है, राइट। ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इन लास्ट जो है विटामिन सी एंड जिंक, जो चीज़ें हैं जहाँ मेरे से वही सब्जी में मिलता है, विटामिन सी सीरम में, अगर आप विटामिन सी जो है कैप्सूल लेना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, हमने कैप्सूल वो भी डाल दूंगा, तो ये विटामिन सी बहुत फ़ायदा करता है आपको, आप गर्म पानी भी डाल के पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करी है, इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है, तो आई होप मेरी कुछ जानकारी काम आएगी। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।